शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आप कौन? हमें वंश, आपके पिताजी के सबसे अच्छे मित्र। राजा साहब के मित्र? पर वो बाहर से अंदर कैसे आए इस महल में? बाहर से तो ये महल अदृश्य है, तो क्या ये डाकिनी की सच्चाई के बारे में जानते हैं? ये है वो अस्त्र जो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। अच्छा हुआ मैं नानी के पास से अपने घर के कपड़े ले आई, वरना उस तासी के कपड़े पहन पहन के मेरा मन उठ सा गया था। क्या है? माला है, पहन लो इसे। मेरे लिए लेकर आए हो? हम नहीं लाए, माँ लेकर आई है सबके लिए। इसमें आश्चर्य क्या बात है, हमारी माँ है ही इतनी अच्छी कि वो सबका ध्यान रखती है, इसीलिए वो सबके लिए माला लेकर आई है। पर क्यों? हमारे और हमारे इस महल के सभी लोगों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे महल और यहाँ रहने वाले सभी सदस्यों को किसी की बुरी नजर लगी। अब पर तुम भूल जाओ, तुम पहन लो इसे, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है, अधिराज ने इस आफत को माला पहनने के लिए तो तैयार कर ही लिया, अब वो दैविक कुंदा भी उतरवा ही लेगा। हाँ, पर इस माला को पहनने से पहले तुम्हें अपनी माला को उतारना पड़ेगा। क्या? इस माला को उतारना पड़ेगा? पर क्यों? क्योंकि माँ ने कहा है कि इस माला को तभी पहन सकते हैं जब गले में कोई और आभूषण ना हो, वरना इस माला की शक्ति क्षीण हो जाएगी। तो तुम इसे उतार देना और इसे पहन लेना। कुछ तो गड़बड़ है। माँ, देखा ना बीच में बोलने का नतीजा, क्या जरूरत थी इतने शक्तिशाली दानव के साथ उलझने की? अब भुगतो। इसी तरह पत्थर की मूरत बने रहने तो वैसे, ताकि इसे भी पता चले तावाश पे उंगली उठाने का नतीजा क्या होता है। पूरी तरह मूर्ति बना देते तुम, हाँ? ऐसे आधे शरीर को क्यों तुमने छोड़ दिया? और मेरी बेटी को देखो, अपनी माँ का साथ देने की जगह एक पढ़ाई का साथ दे रही है। हाँ हाँ, बना दो इन्हें पूरा पत्थर, जी लूंगी मैं अपनी माँ के बिना। ठीक है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूं। लेकिन आइंदा से याद रहे, तावांश को माफी देना बिल्कुल पसंद नहीं। पाऊंगी लड़की, तुम्हें इस माला को उतारना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी माँ की इच्छा है और हमारी माँ की इच्छा का आदर करना तुम्हारा कर्तव्य है, समझी? मैं उनका आदर करती हूँ और मुझे उनकी दी हुई माला पहनने से कोई आपत्ति नहीं है, पर दूसरी माला उतार कर इसे पहनने की क्या जरूरत है?
देखिए, इस माला में मेरी अंबे माँ का आशीर्वाद और मेरी आस्था छिपी है और मैं इसे नहीं उतार पाऊंगी। तो सुन लो, इस माला को तो तुम्हें उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी माँ की इच्छा है, और एक दासी हमारी माँ की इच्छा का पालन ना करे ऐसा हम होने नहीं देंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम महाशक्तिशाली हो, महादानव हो, दांश, इन चुड़ैलों में अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हो? मैं तुम्हारी राह देख रहा था। मेरी योजना सफल हुई, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। अधिराज कह रहा था कि वो उस आफत के गले से वो दैविक कुंडा निकलवा कर रहेगा। मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। आज रात ही तुम्हें अपने कार्य को अंजाम देना होगा। तो बच्चों, जब किसी के पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो उसे अंबे माँ के वार से कोई नहीं बचा सकता। और अब लगता है डाकिनी के पाप का घड़ा भी भर चुका है, उसका भी अंत नजदीक है। नानी, कल ऐसा तो नहीं अम्मे माँ ने हमारे सुना दीदी को उस महल में भेजा हो डाकिनी का अंत करने? हाँ, उस दिन दीदी बहुत जल्दी में थी, रुकी भी नहीं हम लोग के पास, और वो कह रही थी कि उनको कुछ जरूरी काम है। नानी, ये किस दिन की बात कर रहे हैं? अब बच्चों, तुम सब कहानी सुनने आए हो या बनाने? जो मुंह में आया बोल दिया, चलो जाओ अपनी पढ़ाई करो, चलो जाओ। नानी, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? छुपाने की आदत मुझे नहीं, किसी और को है यहाँ। तो आजकल तुम दीदी को ढूंढने क्यों नहीं जाती? ऐसा लगता है जैसे अभी तुम्हें दीदी की कोई चिंता ही नहीं है। जिस लड़की पर साक्षात अंबे माँ का आशीर्वाद हो, उसके बारे में चिंता करना व्यर्थ है। मेरी सुनैना बहुत ही हिम्मत वाली है, अंबे माँ सदैव उसके साथ रहती है, इसलिए मुझे भरोसा है कि वो हर संकट को पार कर जाएगी। माने जो कहा है वही होगा, इसे अपनी माला उतार कर मां की दी हुई माला पहननी पड़ेगी। क्षमा कर देना, जो कुछ भी कर रहे अपने माँ के कहने पर कर रहे, पर हम आपको वचन देते हैं कि हम इसे बहुत ही आदर और सम्मान के साथ अपने पास रखेंगे।
महल से बुरी नजर का प्रकोप हटने के बाद इसे फिर से सुनैना को दे देंगे। देखना है इसका मैं इतनी कोमल हूं। कुछ नहीं, तुम इस माला को उतार करके माँ के देवी माला को पहन लो। तुम मुझे ये माला पहनाने दो। कितनी इज्जती है लड़की। मुझे भी जाना होगा, बहुत सारे सबूत ढूंढने हैं। अभिमान से कह रही थी वो डाकिनी कि अधिराज इसके गले से वो दैवी कुंडा उतरवा देगा, पर अधिराज भी असफल रहा। अब देखते हैं कि वो अभिमानी डाकिनी क्या करती है। क्या? हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा, वो दैवी कुंडा अभी भी साफत के पास है। रानी मां, बहुत भरोसा था ना आपको अपने अधिराज पर। बड़े दुख की बात है कि आपका भरोसेमंद अधिराज भी असफल रहा। कनक, संभाल के बात कर, कहीं ये पागल डाकिनी उस आफत की जगह तुझे ना खत्म कर दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद सुना था, वो अधिराज उस आफत से कह रहा था। सुनी हुई बात हमेशा सच नहीं होती रानी मां, और हमें तो लगता है कि वो दोनों मिले हुए हैं। आखिरकार दोनों इंसान हैं, एक ही जाति के हैं। नहीं, काका ने मुझे सुरंग में जाने के लिए मना किया है, पर मैं हाथ पे हाथ रखकर कैसे बैठ सकती हूँ? मुझे हर हाल में रानी साहब को उस डाकिनी से बचाना है, अधिराज को अपनी असली माँ से मिलवाना है। इसके लिए कोई सबूत ढूंढना पड़ेगा। कोई सबूत छोड़ा होगा इस दाखिनी में। अधिराज ही क्यों? आपका दावंश आपका हर बार असफल रहा, और वो मामूली सी लड़की हर बार सफल हुई। हाँ चंद्रलेखा, जब से वो लड़की आई है तब से तुम सिर्फ हार रही हो। सही कहा माँ। क्या कहा तुमने? मैं हार गई? चंद्रलेखा हार गई? मार डालूंगी मैं तुम दोनों को। चीखने चिल्लाने से तुम्हारी हार जीत में नहीं बदल जाएगी चंद्रलेखा, और तुमको बस हम दोनों पर चिल्लाना आता है, जबकि हम दोनों ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है।
बहुत चालाक है वो डाकिनी। राजा साहब और रानी साहब से जुड़े सारे सबूत मिटा दिए उसने। बहुत सह लिया तुम्हारा अत्याचार, अब और नहीं। एक मामूली सी चुड़ैल होकर मुझ जैसी शक्तिशाली डाकिनी से लड़ोगी? हाँ हाँ लड़ूंगी। स्वराज, बीच में मत आओ। चंद्रलेखा मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो चंद्रलेखा, रुक जाओ। सुन ले मंदाकिनी, आज तेरी बेटी का अंतिम दिन है। स्वराज, मेरी बात मानो, तुम दोनों शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम दोनों। अब देख मैं कैसे तुझे तेरी जगह दिखाती हूं। कदम! इसका अर्थ है ये पूरा परिवार ही ठाकिनी और चुड़ैलों का है। मुझे तो लगा था यह बस ठाकिनी है, पर यहाँ तो पूरी बिरादरी है काली शक्तियों की। जाकर बाहर देखो कौन है। अब ये ऐसा कभी नहीं करेगी चंद्रलेखा, माफ कर दो इसे। देखो अब से जो भी तुम कहोगे वही हम करेंगे, आगे से हम कुछ नहीं कहेंगे तुमको। ठीक है, पर एक बात तुम दोनों सुन लो, अगर मुझे पता चला कि आज हमें किसी ने हमारे इस वास्तविक रूप में देख लिया है तो तुम दोनों की खैर नहीं। हम जानते हैं आपने अभी अभी क्या देखा, और हम ये भी जानते हैं कि हमारी भाभी माँ इस महल की असली रानी साहेब और अधिराज की वास्तविक माँ अभी तक जीवित है, पर वे कहाँ हैं ये हम नहीं जानते। हम समझते हैं कि आपके लिए हम पर भरोसा करना कठिन होगा, पर हमारा विश्वास कीजिए, आपका और हमारा लक्ष्य एक ही है, इस डाकिनी चंद्रलेखा के चेहरे से मुखौटा हटाना। इसीलिए तो हम जब से यहां पे आए हैं उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, ताकि उसे हम पे संदेह ना हो, हमें हमारी भाभी माँ के बारे में और भी कुछ पता चले।
जाने वो किस हालात में होंगी, कहाँ होंगी। मुझे पता है। सच? आप हमें ले चलेंगे उनके पास? हाँ, आप चाहे तो मैं आपको उनके पास लेके जा सकती हूँ, पर मैं आप पर भरोसा क्यों करूं? इस बात का उत्तर तो आप ही नहीं दे सकती। हम आपसे विनती करते हैं, हमें हमारी भाभी माँ के पास ले चलिए। हम आपको वचन देते हैं कि आप और हम मिलके अधिराज के सामने सारी सच्चाई जरूर लाएंगे। लगता है आपको अभी हम पर भरोसा नहीं। ठीक है, हम आज ही यहां से चले जाएंगे। इस बात का दुख हमें हमेशा रहेगा कि हम चाहकर भी अधिराज की सहायता नहीं कर पाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, पर इनकी बातों से लगता है कि इन्हें राजा साहब और रानी साहब के बारे में बहुत कुछ पता है। रुक जाइए, आपको ले जाऊंगी रानी साहब के पास। आपका उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे, और हम आपको वचन देते हैं कि रानी साहब और अधिराज को न्याय जरूर मिलेगा। मुझे क्या लगा था कि तू यूं ही मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचती रहेगी और मुझे पता भी नहीं चल पाएगा। सुनना, ये मत सोचना कि अम्बे माँ का आशीर्वाद सिर्फ इस कुंदे में, अम्बे माँ का आशीर्वाद भक्ति बनकर मेरे रोम रोम में बहता है, और तुम चाह कर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।